जय हिंद दोस्त, वेलकम टू बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान पटना। साथियों अभी हमारा एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, देख रहे हैं कि एसएससी जीडी बैच अभी नया लड़का है, कैसे रोड पे रनिंग करना है, कौन सा जूता पहनना है जो आपको पैर में दर्द ना हो। नया लड़का सोचते हैं कि आए तुरंत हम कमार दे रनिंग में। ये देखिए पूरा एसएससी जीडी का भी हमारा बैच चल रहा है। पीछे कवर कीजिए, सुबह चलिए कवर 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 छोटू, जल्दी जल्दी। अभी आप देख रहे हैं इन लोगों का 5 किलोमीटर का स्लो रनिंग है एसएससी जीडी वाले का, कैसे रनिंग करना है, कैसे पैर रखना है आपको जो स्टेमिना बने। 5 किलोमीटर आसान नहीं है, बहुत सारे लड़का सोचते हैं कि 5 किलोमीटर दौड़ बहुत ही आसान है, बट दौड़ 5 किलोमीटर आसान नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी लोग देख सकते हैं इसको जोश और जुनून से क्या लड़का मेहनत भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। जो भी नया लड़का अभी आना चाहते हैं फिजिकल के लिए, आप सोचते हो फिजिकल हम कहाँ करें, कैसा रहेगा फिजिकल, आप एक बार गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे आइए, देखिए बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी जो रिजल्ट के लिए जाना जाता है। मैं बोलता ज़्यादा नहीं हुआ, पाइए ग्राउंड में देखिएगा। जो भी मेरा प्रीवियस स्टूडेंट है उससे पूछेगा, मैं इन लोगों के साथ रनिंग किया हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगा कौन सा जूता यूज करना है रनिंग के लिए प्रॉपर, जो आपका पैर में इंजरी ना हो, सिम्पिंग ना हो, घुटना में दर्द ना हो। तो मैं आपको तुरंत आपको आगे आपको बताता हूँ। रेडी जैसे कि देखिए अभी 5 किलोमीटर इन लोग का रनिंग लड़का लोग कंप्लीट हो गया, गर्ल्स लोग का 3 किलोमीटर रनिंग हुआ, उसका थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करवाया जाएगा। पहला दिन रोड पे रनिंग है, ये लोग का रोड पे कैसे रोड पे आपका इंजरी बहुत जल्दी पकड़ता है, अगर जूता आपका सही। रनिंग में आपको 3 चीज़ बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहला डाइट प्लान, दूसरा संरक्षण, किसके अच्छे संरक्षण में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तीसरा जूता। रनिंग में हमारा जूता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है। हम लोग बहुत सारे लड़का लोग हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेगा का जूता ले लेते हैं। सेगा का जूता जो पहले आता था वो अब सेगा का जूता नहीं आ रहा है, उससे आपको उसका नीचे का सोल इतना हार्ड रहता है कि आपका ये वाला हार्ड सोल इतना रहता है कि आपका पैर का वो इंजरी कवार देता है, पैर में सिम्पिंग चढ़ जाता है, एंकल में सोलिंग आ जाता है, घुटना में दर्द आ जाता है। इसके लिए आप लोगों को मैं हम यही एक सजेशन करेंगे, कोई एडवाइस नहीं, कि आप एक अच्छा जूता लेना है। हम 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो पैकेट खर्चा करते हैं उसको हमको कम करना है, एक जूता अच्छा लेना है। जूता जैसे अभी प्रॉपर डिकैथलॉन एक अभी है पटना में शोरूम, उसका जूता कहीं नहीं मिलेगा, या तो ऑनलाइन उसके साइट्स पे मिलेगा, नहीं तो उसका शोरूम है पटना में सिटी सेंटर मॉल है पुलिस लाइन के पास, वहाँ मिलेगा। कलेंजी का शू है, आपको हम बताएंगे ये कलेंजी का शू है, ये जूता आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दिखाइएगा ऊपर, ये देखिए इसका फ्लेक्सिबल सबसे बढ़िया है, और ये जूता आपको 1600 से 1700 में आपको ये जूता मिलेगा। ऐसा जूता आप ले सकते हैं रनिंग के लिए, प्रॉपर मस्त जूता है। आप मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ, बट ये आपका पैर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और जूता आपका सही नहीं रहेगा तब आपका पैर में इंजरी आएगा। प्रॉपर आप देख सकते हैं जूता का सोल, ये पूरा ये फ्लेक्सिबल है, देखिए जितना जूता आपका दबेगा उतना आपका ये पैर में इंजरी नहीं होने देगा। आप यही हम बोलेंगे, नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे इसका, डिकैथलॉन कलेंजी का, वहाँ से भी ले सकते हैं। आप पटना बहरा में तो यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई एडवाइस 1600-1700 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आप पैकेट खर्चा थोड़ा कम कीजिए, जूता अच्छा रहेगा तो आपका रनिंग भी बढ़िया होगा। जैसे मैं आपका अपना एड्रेस बताया कि आपको फिजिकल करना है, आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि फिजिकल हम कहाँ करें, एसएससी जीडी का हो या झारखंड पुलिस का हो, एक बार पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे आकर बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी किसी से पूछेगा तो आपको बता देंगे बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी क्या हो। नाम रिजल्ट के लिए जाना जाता, कोई आपको मैं बोलने के लिए नहीं हुआ, पाइए हमारे संस्था से एक बार जुड़ के देखिए। फिजिकल के लिए 200% गारंटी के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा फिजिकल पास करेगा, और आने वाला टाइम में आप हमारा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, कोई भी नया अपडेट मिलेगा आपको जानकारी देते रहेंगे। बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे, लाइक सब्सक्राइब दोनों करें।